अरे मोदी जी, मेरा जी निकला जा रहा है, तुम मेरे ऊपर बैठे रहो हो। अरे बहुत लंबी यात्रा है मोदी जी, ऐसे मैं कब तक तुम्हें अपने ऊपर बैठा कर चलूँगा। ये हमारी 400 किलोमीटर की यात्रा है, इस पैदल यात्रा में अगर तुम ऐसे रहे मेरे ऊपर बैठ के चले तो समझो मैं तो गया काम से हूँ मोदी जी। ऐसे नहीं चलेगा मोदी जी, अब तुम्हें नीचे उतरना होगा। अब तुम राहुल के अखिलेश जी के कंधे पर बैठो और मेरे को छोड़ो, मेरा सांस दम घुट रहा है मोदी जी, बहुत देर हो गई आपको बिठाते बिठाते मेरे कंधे पर। अरे योगी जी, ऐसे क्या करते हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, देख लो ना, तुम तीनों से बहुत छोटा हो और मोदी तो भैंसा सुर है, ये मेरे से उठाए थोड़ी जाएंगे। देखो मेरे सिर पे तो जो है थैला आ रहा है, मेरे कंधे पे थैला ले रखा है और तुम कहते हो मोदी को ले लूँ। अरे मोदी तुमसे नहीं चलेगा तो किससे चलेगा, तुम तो यूपी का शेर हो, शेर तुम तो टकले हो, हाँ तुम तो टीके वाले हो, तुम तो योगी हो, तुम्हारे तो अंदर शक्तियाँ होगी ना, हम कैसे योगी को ले सकते हैं। अरे योगी बाबा ठीक है, हम उधर जाएंगे, थोड़ा दूर तो और ले चलो हमें, हमने जो है आज ना चलने का व्रत रख रखा है, इसलिए मैं हम तुम्हारे कंधे पर बैठे हैं। अगर हम ना चलने का व्रत ना रखे होते तो आज हम भी तुम्हारी तरह पैदल पैदल चल रहे होते, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त होने के नाते मुझे कंधे पर बिठा ले जाने का प्रस्ताव बनता है योगी बाबा। अरे मोदी जी, अगर आपने व्रत रख रखा है तो हमने भी व्रत रख रखा है, किसको कंधे पर ना उठाने की सौगंध खा रखी है हमने भी। आपने जिस प्रकार से सौगंध खा रखी ना पैदल चलने की, उसी प्रकार से हमने भी किसी को ना उठाने की सौगंध ले रखी है, इसलिए हम दोनों अब आपको हमारे कंधे पर नहीं बिठाएंगे। अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना तो योगी बाबा आपको यहाँ पर उतार देंगे और आप यहीं पड़े रहे ना, हम अपनी मंजिल को जाएंगे और आप यहीं पड़े हैं ना।